नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पेज, मेरे चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। और आज जो बात मैं करने वाली हूँ वो है ऐसी कुछ चीज़ें जो सावन में आप करके उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। पति की लंबी आयु के लिए, बहुत समय से आपके पति अगर बीमार है उसके लिए, आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, धन धान्य सुख समृद्धि हर चीज़ के लिए। सावन का जो ये महीना है, ये बहुत ही पावन महीना होता है और इस महीने को अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। चारों ओर हरियाली है, सावन जो है वो धरती को बहुत ज़्यादा भिगा देती है जिसकी वजह से वो रिसेप्टिव हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लेने की क्षमता उसके अंदर है। कोशिश करें कि आपके जो नाम है, मैं ये हर एक के लिए पहले बता देती हूँ एक सरल उपाय, आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम पूर्णिमा है तो PURNIMA, कम से कम 7 वृक्ष ज़रूर लगाएं सावन के महीने में। इससे क्या होगा, आपकी भी उन्नति होगी। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके मरने के बाद भी चले, चाहे वो आप किताब लिख रहे हो वो हो सकता है, या फिर पेड़ लगाना। जैसे कभी आपने क्या थैंक यू कहा है, अगर बेलपत्र आप शिव जी के अर्पण करते हैं शिव जी को, तो वो जो बेलपत्र जिस पत्ते को आप लेके अर्पण कर रहे हो, किसी न किसी ने तो उसको ज़रूर लगाया होगा, तभी वो बेलपत्र मिल रहा है, तभी वो फूल मिल रहे हैं जिसको आप अर्पित करते हैं। तो उसको कितना ज़्यादा गुना आप सोचिए कि पुण्य मिलता है जिसकी चीज़ें हम भोलेनाथ पर अर्पण करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए सौभाग्यशाली कैसे बने महिलाएं, महिलाओं को क्या करना चाहिए ताकि उनकी पति की तरक्की हो, उनके संतान की तरक्की हो, खुद की जो महिलाएं वर्किंग हैं, जो खुद भी काम करती हैं, उनकी भी तरक्की हो। तो सबसे पहले चीज़ मैं उसके पति के लिए उन्नति के लिए बता सकती हूँ कि ये जो काम मैं बताऊँगी, ये सारी चीज़ें अगर आप सही नियम पूर्वक करते हैं, यकीन मानिए ज़िंदगी बदल जाएगी। 2 महीने, इस बार अधिक मास के कारण 2 महीने का सावन है, सही से यूटिलाइज़ करें इसका। पहला सोमवार 10 तारीख को है। आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान अगर आप चढ़ाती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। श्रृंगार का सामान अगर आप माँ को चढ़ाती हैं तो इससे वो आपको सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हैं। इसके अलावा एवरी डे माँ को अपने सिंधौरे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर माँ को भी अर्पित करें और अपने भी लगाएं, क्योंकि ये जो है ना आपके सौभाग्य को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक लाल रंग का अगर गुड़हल का फूल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जवा फूल नहीं तो रेड रोजेस भी चलेंगे। लाल फूल माँ को अर्पण करें जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माँ की तरफ से मिलेगा। दूसरी चीज़, हरा रंग का प्रयोग, हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहने, सावन है, हरी चूड़ियों का दिन है और ये जो चूड़ियाँ जो खनकती है आपके हाथों में, इसकी जो आवाज़ है उससे घर में पॉजिटिविटी फैलती है। हरा रंग जो है वो माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में भोलेनाथ का भी ये फेवरेट कलर है। तो ये लाल रंग का कपड़ा माँ को चढ़ाएं, हरे रंग की चूड़ियाँ खुद पहने, हरे रंग के कपड़े खुद पहने, और हरा रंग जो होता है ना वो आपको दीर्घायु देने का आशीर्वाद देता है। दीर्घायु होते हैं उनके पति जो महिलाएं हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा सावन माह में करती हैं। हरा जो है ये बुध का भी रंग होता है, आपकी बुद्धि में भी वृद्धि होगी। इसके साथ अभी जो सावन का महीना में जो हरा रंग है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, तो हरा रंग का प्रयोग महिलाएँ अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़, गला को कभी भी खाली ना रखें। महिलाएं जो है वो अपने गले में हो सके तो मंगलसूत्र ज़रूर धारण करें, नहीं है तब चेन पहन सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र पहनना अति उत्तम होता है। अगर आपका मंगलसूत्र कटा फटा बिल्कुल भी है तो उसको सही करवाएं, अच्छा करवा के उसके बाद ही धारण करें, क्योंकि आप जब मंगलसूत्र धारण करती है वो अगर कटा फटा होता है तो आपकी पति की आयु को कम कर देता है। तो इसीलिए गले को खाली अभी बिल्कुल ना रखें, गले में मंगलसूत्र धारण करें और अगर वो कहीं से टूटा फूटा है तो उसको ठीक करवा लें। सावन के महीने में कम से कम मंगलसूत्र ज़रूर पहने। इसके अलावा भूल कर भी, चौथे नंबर में बता रही हूँ, भूल कर भी काले कपड़े ना पहने। सावन माह जो कि 2 महीने का पड़ा है, इस पर गलती से भी महिलाएं, या किसी को भी मैं बोल रही हूँ, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, कोशिश करें कि ब्लैक कलर का यूज़ बिल्कुल ना करें, काला रंग को अवॉइड करें 2 महीने तक।
इसके बाद अपनी मांग को, फिफ्थ नंबर, अपने मांग को कभी भी खाली ना रखें। सिंधोरा से सिंदूर अगर लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो महिलाएं ऑफिस वगैरह जाती हैं उनको अगर दिक्कत होती है क्योंकि वो सिंदूर पीले रंग की होती है, तो फिर आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पीले रंग के सिंदूर अगर आप लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। पति की आयु में वृद्धि होगी। जो भी, जिसके भी पति अस्वस्थ हैं, उनके लिए भोलेनाथ को अगर आप घी अर्पण करते हैं, घोले रंग मतलब शिवलिंग पर अगर आप घी चढ़ाते हैं, जिनकी भी प्रॉब्लम चल रही है, जिनके भी हस्बैंड का तबीयत ख़राब है, उनका नाम लेकर आप घी अगर अर्पण करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि वो जितनी भी बीमारियों से वो जूझ रहे थे, बीमारियाँ ख़त्म होती चली जा रही हैं। सिक्स्थ नंबर, महिलाएं अपने पैर में आलता लगाने की कोशिश करें, बिछिया ज़रूर पहने, पायल ज़रूर पहने। ये तीन चीज़ें ज़रूर ज़रूर करें। पायल जिसमें घुंघरू लगे हों, जिसको पहनने के बाद आप जब चले तो आवाज़ होना चाहिए, वो जो आवाज़ है उसे माता लक्ष्मी, माता पार्वती बहुत ही खुश होती हैं। आपके घर में लक्ष्मी के आगमन को आपका जो पायल और बिछिया है वो बढ़ाता है। तो आपको अपने पायल और बिछिया को ध्यान रखना है कि आप सावन के महीने में ज़रूर पहने, इससे आपके घर में लक्ष्मी आती है। सेवेंथ नंबर चीज़ जो है, श्रृंगार का सामान। आप कोशिश करें कि सावन के महीने में श्रृंगार का सामान आप खरीद पाए। महिलाएं जो हैं वो अधिक से अधिक अपने मेकअप का सामान, अपने श्रृंगार का सामान सावन के महीने में ही खरीदने की कोशिश करें। ये आपको सौभाग्यशाली बनाता है। प्लस जो भी श्रृंगार का आप सामान खरीदते हैं उससे पहले माता पार्वती को चढ़ाएं, उसके बाद खुद उपयोग करें उसका। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अजीब सी कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपके पति की आयु भी लंबी होगी, संतान जो है आपका बहुत ही ज़्यादा नाम रोशन करेगा। ये जो श्रृंगार का सामान है, संतान की प्राप्ति के लिए भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं उन्हें, और उसके बाद उसका खुद भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके संतान के पढ़ाई लिखाई बोलिए, उन्नति बोलिए या करियर बोलिए, इसमें आपको उन्नति देखने को ज़रूर मिलेगी। श्रृंगार का सामान दान भी करना चाहिए। ज़रूरी है कि श्रृंगार का सामान आप चाहे आपकी मेड हो, आपके रिलेटिव हो, आपकी बहन हो, आपकी भाभी हो, आपकी माँ हो, श्रृंगार का सामान दान करने से आपके पति की आयु में वृद्धि होती है। हाथ में मेहंदी ज़रूर रचवाना चाहिए। हाथ में मेहंदी अगर आप लगाते हैं सावन के महीने में, आप पगड़ लगाते हैं तो ये आस की मेहंदी भी कहते हैं, ये लगाने से आप जो भी इच्छा रखते हैं अपनी, ये विश बोलिए, जो भी विश आपकी है वो लगाते हैं अगर आप मेहंदी को, वो अगर रचता है तो मानिए कि आपका वो विश बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये जो नौ चीज़ें मैंने आपको बताई है सावन के महीने में आप ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तरक्की मिलेगी आपको, आपके पति को, आपके संतान के सुख की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना पाऊँ और आप सभी का भला हो सके। दूसरों तक आप ये बात पहुँचाएँगे तो दूसरों का भी भला होगा। नमस्कार।